हमारे फेसबुक चैनल को अवश्य लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारा न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। जल ही जीवन है और इस जल के लिए आपका, हमारा, हम सभी का साथी विप्रा पंप्स, बिजली की कम खपत के साथ लो मेंटेनेंस और चले सालों साल। विप्रा पंप्स, बूंद बूंद में जीवन। झारखंड की उपराजधानी दुमका में कपड़ा और जूता चप्पल व्यवसायियों ने दुमका के हृदय स्थली टीन बाजार चौक के मेन रोड को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए जाम कर दिया। सभी लोग दुकान खोलने की अनुमति मांगने के साथ साथ मुख्यमंत्री पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे थे। इन सबों का कहना है कि लॉकडाउन का असर क्या हम व्यवसायियों पर नहीं पड़ा है? बाकी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है और क्या हम इसी तरह लॉकडाउन का दंश झेलते रहेंगे? इन लोगों का कहना है कि दुमका ग्रीन जोन में आता है, फिर भी यहाँ इस तरह का गाइडलाइन क्यों जारी किया गया? हमारे बाल बच्चे और दुकान के स्टाफ भूखे मर रहे हैं, पर हम लोग अब ऐसा नहीं होने देंगे। इस मौके पर दुमका नगर थाना प्रभारी लाउडस्पीकर के जरिए निर्देश देते हुए देखे गए कि यह धरना नाजायज है, धारा 144 का उल्लंघन है, कृपया इस तरह धरना न लगाएं। बताइए क्यों आप लोग सड़कों पे उतरे? हम लोगों को सिर्फ आदेश कपड़ा दुकान को दिया है, जहाँ सारा दुकान खुल गया है मार्केट का। हम लोग के साथ में परिस्थिति विकट उपस्थित हो गई है। हम लोग का बाल बच्चा भूखे मर रहा है और हम लोग को अभी तक आदेश नहीं मिला है सरकार द्वारा। इसी के विपक्ष में हम लोग आकर के आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार हम लोग को भी आदेश दे, हम लोग का आजीविका चले। हम लोग के पीछे भी बहुत सारा स्टाफ है, भुखमरी के कगार पर हम लोग आ चुके हैं। हम लोग को आदेश दिया जाए दुकान खोलने का। क्या नाम हुआ? रेडीमेड और जूता चप्पल दुकान को आदेश से अलग किया गया, क्यों किया गया है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दिलीप प्रसाद गुप्ता। या तो सरकार हम लोगों को 20,000 रुपया महीना, या तो सारा दुकान बताइए। अगर हम लोग पूरा बाजार बंद होना चाहिए, शांत रहो ना। आज ढाई महीना से दुकान बंद है, हम लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा? इसके लिए सरकार सोचे, हम लोग को रोजी रोटी का व्यवस्था कराए, दुकान बंद रहेगा। या तो खोलना है तो सबका नाम काजल कुमार दे, यदि दुकान खुलवाना है तो सबका खुलवाइए, बंद कराना है तो सबका करेंगे। हम लोग भी मनुष्य हैं, हम लोग के सामने हम लोग का व्यवसाय की ओर से कहना है, सबको आदेश दिया गया तो हम लोग को क्यों नहीं दिया गया? बंद करना तो पूरा बाजार का परिवार नहीं है, हम लोग का बच्चा नहीं है, हम लोग का पास स्टाफ नहीं है, क्या हम लोग कहाँ से खाएंगे? हम लोग का आजीविका कैसे चलेगा? आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा शुभ नाम दिलीप प्रसाद गुप्ता। ठीक, बिना चप्पल का चलेगा जी। जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी होता है उसी के मुताबिक, ये हमारा पावर नहीं है, हम लोग निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये जब भी निर्णय लेगी तो राज्य सरकार लेगी। राज्य सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमसे और आपसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा दूरदर्शी हैं, ठीक है? इसलिए वो तो दिया हुआ है कि 8 जून से जो है मॉल वगैरह खुलेगी। एक बात को सुनिए, अरे भैया पहले बात को सुनिएगा आप लोग।
जज जी आप लोग इतना दिन खाली आप नहीं सभी लोग ये कोरोना महामारी वाले दूरी बनाइए एकदम दूरी बनाइए इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं बता दिए कोरोना महामारी जो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो हमसे और आपसे ज्यादा समझदार हैं ज्यादा दूरदर्शी हैं सरकार जो है जनहित में निर्णय लेती है कोई चीज किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं सरकार जो है जनहित में लेती है सरकार अपने स्टेट क्या लिखा हुआ है एक आदमी बोलिएगा एक आदमी बोलिएगा सरकार क्या बोली सरकार कह रही है केंद्र सरकार दिया है कि राज्य सरकार अपने पहले आप लोग आए थे हम पहले भी आप लोगों को बता दिए कि हमारा पावर नहीं है सरकार का काम है तो सरकार से सरकार के जो यहाँ प्रतिनिधि हैं उपायुक्त महोदया एसडीओ साहब आपकी बात को हम उसी दिन अवगत करा दिए आज आपकी बात को मैंने अवगत करा दिया वहाँ उन लोगों को सर हम लोग के साथ में बहुत विकट परिस्थिति है हम लोग साथ है गाइडलाइन मान रहे हैं गाइडलाइन का कोई उल्लंघन नहीं किए हम लोग कपड़ा दुकानदार दुकान नहीं खुला है कोई ऐसे चुरा लुका कर तो खुला है लेकिन अब जो हो गया है ना हम लोग खुद आशा देख रहे हैं कि चलिए एक मिनट 69 दिन का गाइडलाइन का हम लोग अनुपालन किए हैं हम लोग सारा बात माने हैं लेकिन अभी जो 69 दिन बाद सारा दुकान खुल गया 99% दुकान खुल गया सिर्फ कपड़ा दुकानदार रेडीमेड दुकानदार और चप्पल दुकानदार जनरल दुकानदार को सौतेला व्यवहार किया गया हम लोग के साथ में तो हम लोग के साथ के एक मिनट हम लोग के साथ भी एक हमारा ही बात सुनिए आपके साथ हम बात समझ रहे हैं कल शाम को ऑर्डर में जैसा आप बोल रहे हैं अगर स्वाति टीवी फ्रिज ऐसी सब बंद करो पानी भरना है पानी खत्म हो गया विप्रा पंप कम वोल्टेज में भी देता है भरपूर पानी हाई क्वालिटी लो मेंटेनेंस एंड इजी रिपेयर सिस्टम आईएसओ सर्टिफाइड विप्रा पंप्स एंड मोटर्स